तो गाइज आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपने अगर अपना आधार कार्ड बनवाया हुआ है और आपको अगर पता करना है कि आपका आधार कार्ड कब बना था और आपने कितनी बार उसको अपडेट कराया हुआ, अगर आपको नहीं जानकारी है तो इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले और यहाँ पे UIDAI टाइप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है UIDAI.gov वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं आना, जैसे मेरे आधार पे देखिए ये क्लिक है तो यहाँ पे क्लिक रहने देना है। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे तो देखिए फर्स्ट वाले पे आधार प्राप्त करें और सेकंड वाले पे आधार को अपडेट करें और थर्ड वाले पे आधार सेवाएं। अभी आपको सेकंड वाले पे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लास्ट में आधार अपडेट पूर्ण विवरण, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा चेक योर आधार अपडेट हिस्ट्री वाले पे। और एक बात और है दोस्तों, अगर आपको ये चीजें चेक करनी है तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल पे OTP आएगा जिससे आपको जानकारी मिल सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको वर्चुअल आईडी आपको नहीं पता है तो वो कैसे चेक किया जाता है या उसको कैसे देखा जाता है, उसको कैसे जनरेट किया जाता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। आप वहां से जाके वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट किया जाता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर से चेक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर रिफिल कर देना है। कैप्चा कोड को सेम टू सेम रिफिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना। सेंड OTP क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है देखिए OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल। तो हमारे मोबाइल पे OTP आ गई है, चलिए मैं इसको रिफिल कर देता हूँ। OTP को रिफिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देखिए लिखा हुआ है चेक योर आधार अपडेट हिस्ट्री। ये मेरा आधार नंबर है और मैंने अभी तक जितनी बार अपडेट करा है उसकी सबकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डेट वाइज दिया गया है कि 22 तारीख 7वां महीना 2013 को मेरा आधार बना था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ न्यू टाइप ऑफ अपडेट न्यू लिखा है। उसके बाद सेकंड अपडेशन कब हुआ है, 20 तारीख 4था महीना 2017, यहाँ पे इसमें बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइप ऑफ अपडेट ठीक। उसके बाद थर्ड अपडेट यहाँ पे हमारा हुआ है 28 तारीख 6वां महीना 2022 को, ये डेमोग्राफिक अपडेट है। तो आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कब कब अपडेट हुआ है, कब बना था। और दोस्तों आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।